अस्सलाम वालेकुम। कल की वीडियो में हमने एनाटॉमी की डेफिनेशन पढ़ी थी और एनाटॉमी की पोजीशन पढ़ी थी कि व्हाट इज एनाटॉमिक पोजीशन। उसके बाद हमने थोड़ी सी एनाटॉमी का व्यू लिया था कि एनाटॉमी क्या है, उसकी कुछ थोड़ी सी हमने सब डिवीजन पढ़ी थी। आज हम इस वीडियो में कुछ प्लेन्स हैं एनाटॉमी की, वो हम फर्द उनको डिफाइन करेंगे कि वो प्लेन्स जब हम किसी बॉडी को कट करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन में तो वो कितनी प्लेन्स बनती हैं, तो उन प्लेन्स का नाम फर्दर क्या बनेगा। तो उनमें पहली हमारी प्लेन का नाम है मिड सैजिटल प्लेन। मिड सैजिटल प्लेन क्या है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। पैरामीडियन प्लेन वो क्या होती है, उसके बाद कोरोनल प्लेन हो गई, हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। उसके बाद हैंड सर्फेस में हम बात करते हैं पाल्मर और डोर्सल की, और अगर एक लॉन्ग बोन है तो उसके प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड क्या होता है। उसके बाद एपिसिलेटरल और कॉन्ट्रालेटर सर्फ कॉन्ट्रालेटर प्लेन ये कौन से हैं, इसे किसे कहते हैं। उसके बाद हमारी आ जाती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, कुछ आर्टरीज होती हैं, कुछ वेंस होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर लाई करती हैं, कुछ एक्सटर्नल होती हैं कुछ इंटरनल ही होती हैं। और उसके बाद हमारी आ जाती है प्रोट्रैक्शन मूवमेंट और रिट्रैक्शन मूवमेंट, इवर्जन एंड इवर्जन एंड सुपिनेशन एंड प्रोन एंड सरकमडक्शन, ये मसल्स की मूवमेंट्स हैं। ये हमारी सारी बेसिकली एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज में आ जाती हैं जो कि हम एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज में यूज़ करते हैं किसी स्टूडेंट के लिए, हम अपने कुलीज के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उसको कहते हैं मीडियल या लेटरल, वो समझ जाता है क्योंकि इसके बगैर स्टूडेंट्स कुछ नहीं समझ पाता कि मीडियल क्या है लेटरल क्या है। जब तक ये टर्मिनोलॉजीज आपको नहीं आएंगी आप बिल्कुल कंफ्यूज रहेंगे कि मीडियल किसे कहते हैं, लेटरल किसे कहते हैं, अबडक्शन अडक्शन किसे कहते हैं। सो गाइज हम फर्दर एक एक करके अभी हम प्लेन को सबको डिस्कस करेंगे आपके साथ। कल हमने एनाटॉमिकल पोजीशन कोई डेफिनेशन पढ़ी थी के स्टैंडिंग अपराइट डायरेक्ट फेस ऑफवर्ड। सो बेसिकली हमारी ये है एनाटॉमिकल पोजीशन। हमने जितने भी प्लेन्स पढ़ने हैं जो भी हम कुछ देर के बाद प्लेन्स पढ़ेंगे तो हमने उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में रख के किसी बॉडी को पढ़ने होंगे। उसमें से हमारा पहला प्लेन आता है मिड सैजिटल प्लेन। व्हाट इज अ मिड सैजिटल प्लेन? मिड सैजिटल प्लेन ऐसा है कि अगर हम किसी बॉडी को एनाटॉमिकल पोजीशन में दरमियान से यहाँ से कट करें, ये बिल्कुल यहाँ से ये हमारी स्टर्नम है जुगलन रोज से यहाँ से कट करें तो हमारी ये बॉडी के दो हिस्से हो जाएंगे लेफ्ट एंड राइट, तो इसको हम मिड सैजिटल प्लेन कहते हैं कि वो प्लेन जो किस बॉडी को दरमियान से कट करें, जो कि एक लेफ्ट में डिवाइड कर दे और दूसरी राइट पोर्शन में डिवाइड कर दे। उसके बाद हमारी इसी में ही टाइप आती है पैरामीडियन प्लेन। पैरामीडियन प्लेन ये होती है कि अगर हमने कोई मिड सैजिटल प्लेन को जब हमने कट कर लिया है, अब हमने सपोज यहाँ से इस बॉडी को कट किया है, इसके दो हिस्से बन गए हैं लेफ्ट और राइट, और हम सपोज इस लेफ्ट वाले को फिर फर्दर जो दो हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं कट करेंगे तो उसके फिर दो से लेफ्ट और राइट पार्ट बन जाएंगे, जो कि फिर हम उसको ये इस मिड लाइन से जिस हमने मिड लाइन से बॉडी को कट किया है तो उसको हम उसके साथ कंट्रास्ट करेंगे, उसके साथ कंपेयर करेंगे कि कौन सी लेटरल बन रही है कौन सी मीडियल। मीडियन वो हो जाएगी जो मिड लाइन के करीब होगी उसको हम मीडियल कह देंगे, जो हमारी लेटरल होगी वो जो मीडियल लाइन से दूर हो जाएगी उसको हम कह देंगे लेटरल। अब मैं मिसाल दूं कि जैसे कि ये हमारी लिटिल फिंगर है और ये हमारा थंब है जिसको थंब को हम एनाटॉमी की लैंग्वेज में पोलिसिस कहते हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ इस लिटिल फिंगर को और इस पोलिसिस को कि मेरा थंब लेटरल है या मेरी ये लिटिल फिंगर मीडियल है, अब इसमें से जो मिड लाइन के करीब होगी, अब लिटिल फिंगर को हम देख सकते हैं कि ये मिड लाइन के थोड़ा करीब है और ये थंब मेरा दूर है उससे तो ये मिड के ज़्यादा करीब है तो हम इसको मिडिल कह देंगे, और जो हमारा थंब है ये मिड लाइन से थोड़ा दूर है तो उसको हम लेटरल कह देंगे। उसके बाद हमारा दूसरा प्लेन आता है कोरोनल प्लेन। ये एक इमेजिनरी प्लेन है कि हम अगर हम किसी बॉडी को सपोज अब हम यहाँ से कट करें तो यहाँ से कट करके हमारे बॉडी के दो हिस्से बन जाएंगे, एक आगे का हिस्सा बन जाएगा एक पीछे का हिस्सा बन जाएगा, तो जो ये भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा अंटीरियर और पोस्टीरियर। अंटीरियर से मुराद आगे वाला हिस्सा, पोस्टीरियर से मुराद पीछे वाला हिस्सा। अंटीरियर को हम बाजू का दूसरी लैंग्वेज में वेंट्रल भी कह देते हैं और पोस्टीरियर को बाजू का हम डोर्सल भी कह देते हैं। तो ये बेसिकली इमेजिनरी प्लेन है जो कि यहाँ से हम कट करते हैं, बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक आगे की तरफ और पीछे की तरफ। तो उसके बाद हमारी आ जाती है हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन। हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। अगर हम अपनी बॉडी को
ये यहां से कट करें, हॉरिजॉन्टली कट करें या ट्रांसवर्स भी इसको क्या देते हैं, कट करें, तो ये बॉडी के दो हिस्से बन जाएंगे, ये ऊपर वाला हिस्सा बन जाएगा और दूसरा नीचे वाला हिस्सा बन जाएगा। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है हम उसको क्या देंगे, सुपीरियर, और जो नीचे वाला हमारा हिस्सा होगा उसको हम इन्फीरियर क्या देंगे, सुपीरियर मीन ऊपर वाला, इन्फीरियर मीन नीचे वाला। उसके बाद हमारी हैंड के साथ आ जाती है जो हमारी ये हथेली है पाम की, इसको हम प्लांटर कहते हैं, और उसके बाद जो हमारी हैंड की बैक साइड होती है उसको हम डोर्सल कह देते हैं। इसी तरह हमारे फुट में भी जो नीचे वाली हमारी सरफेस है बिल्कुल उसको हम प्लांटर कहेंगे, जो ऊपर वाली है उसको हम डोर्सल कहेंगे। उसके बाद आ जाती है एक और टर्मिनोलॉजी है एप्सिलेटर। एप्सिलेटरल, वो एप्सिलेटर से मुराद है कि ऐसा प्लेन जो दोनों सेम साइड पे ही हो। मसलन मेरा लेफ्ट आर्म है और मेरी लेफ्ट लेग है, ये दोनों एक ही साइड का हम इसको कंपेयर करते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रालेटरल आ जाता है कि ये कॉन्ट्रालेटरल इस ऑपोजिट। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दूं, मेरा ये लेफ्ट आर्म हो गया और दूसरा मैं इसको लेफ्ट आर्म को अपने मैं इसे राइट लेग के साथ कंपेयर करूं तो ये कॉन्ट्रालेटरल हो गया। तो हम इसको कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं, ऑपोजिट ऑपोजिट हो गया ना, ये लेफ्ट हो गया ये राइट हो गया। उसके बाद हमारी आ जाती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कुछ हमारी ब्लड की आर्टरीज होती हैं, जो कि मैं मिसाल दूं हमारी कैरोटिड आर्टरीज है जो हमारी ब्रेन के अंदर है, क्रेनियल नर्व के क्रेनियल में, तो उसको हम इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज के नाम दे देते हैं, जो एक आउट, उसके बाद एक दूसरी आती है कैरोटिड आर्टरी जो कि हमारे ब्रेन से बाहर होती है जो हार्ट में, तो उसको हम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कह देते हैं। उसके बाद प्रोट्रैक्शन, ये भी एक मूवमेंट है मसल्स की, ये मैंडिबल जॉइंट में पाया जाता है, ये हमारी बोन है जो ये वाली, इसको हम मैंडिबल कहते हैं, और ये जो हमारी मैंडिबल है ये हमारी टेम्पोरल बोन के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पे जो जॉइंट बनता है मैंडिबल टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट बनता है, जो कि ये हमारे फेस में सिर्फ यही बोन है जो मूवेबल है, जो ये मूव कर सकती है, इसे हम बोल भी सकते हैं, कुछ खाना भी खा सकते हैं, मसल्स मूवमेंट भी होती हैं। तो जो प्रोटेक्शन है ये मूवमेंट, ये फॉरवर्ड आगे की तरफ होती है, मतलब जैसे मैं मिसाल यहाँ पे आगे मैं करके दिखाऊं, ये यूंग थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगा, ये हम खाते हैं पीते हैं, ये हमारी ये जो मैंडिबल है ये आगे पीछे की तरफ मूव होगी, तो ये आगे की तरफ मूव होगी तो उसको हम प्रोटेक्शन कह देंगे, जो पीछे की तरफ उसकी मूवमेंट होगी लेके आएगी उसको हम रिट्रैक्शन कह देंगे। उसके बाद सुपाइन, सुपाइन किसे कहते हैं, सुपिनेशन, बाजू का सुपिनेशन भी कहते हैं, जब ये हमारी मसल्स की मूवमेंट्स में आगे हम मजीद डिस्कस करेंगे। सुपिनेशन हम बेसिकली सुपिनेशन से मुराद है कि सीधा, कि अगर हम अपनी बॉडी एनाटॉमिकल पोजीशन में बॉडी को किसी जमीन पर लिटा दें, उसका फेस अपवर्ड हो डाउनवर्ड ना हो, तो वो बिल्कुल बॉडी को सीधा लिटा दे तो सुपिनेशन हो जाएगी। मसलन अगर मैं हैंड की आपको मिसाल दूं, जैसे कि ये मेरा हैंड बिल्कुल सीधा है, ये एनाटॉमिकल पोजीशन है, तो ये मेरा सुपिनेशन पोजीशन, इसी को सुपिनेशन इसको कहते हैं कि सीधा हो बिल्कुल। अब प्रोनेशन करना है, प्रोनेशन हमने इसको डाउनवर्ड कर देना है, उल्टा देना है। अब ये मेरी मूवमेंट जो कड़ी है ये प्रोनेशन कहलाती है। प्रोनेशन अगर मैं जमीन पर किसी पार्टी को हम जमीन पर ले डाउन करें तो उसका जो फेस है वो डाउनवर्ड कर दें, प्रोनेशन कहलाएगी। उसके बाद हमारी आ जाती है सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें जॉइंट्स होते हैं, मसल्स होते हैं, जो कि हमारी जिस तरह मैं एक मिसाल दूँ शोल्डर जॉइंट, ये सर्कमडक्शन में आ जाते हैं। ये हर इसको हम हर मूवमेंट में इसको रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। उसके बाद हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक रोटेशन के हवाले से भी लेके आएंगे, जो कि इसमें आती है थोड़ा सा प्लेन है पैरामीडियल मीडियल और लेटरल रोटेशन। मीडियल लेटरल रोटेशन में अभी इधर बता देता हूँ कि मीडियल रोटेशन ये, अगर ये हमारा हैंड है तो हैंड को हम अपनी मिडिल हैंड की तरफ यूं रोटेट करें तो ये हमारी मीडियल रोटेशन कहलाएगी। अगर हम इसी अपने हैंड को मिड लाइन से बाहर की तरफ मूव करा के लेकर जाएं तो ये लेटरल रोटेशन कहलाएगी। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे, हम बोन्स की टाइप्स आगे पढ़ेंगे। बोन्स की टाइप्स के बाद हम थोड़ा सा अपर लिम और लोअर लिम, अपेंडिकुलर सेकेलेटन किसे कहते हैं और एक्सियल सेकेलेटन किसे कहते हैं, हम ये डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट बोन स्टार्ट कर देंगे, जो कि हम अपर लिम स्टार्ट करेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा।